गो। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सत श्री अकाल। और आप सभी की सेहत के लिए, आप सभी की खुशहाली के लिए बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना। वाहेगुरु जी आप सभी पर मेहर रखें। जय जवान, जय किसान। ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासतौर पे क्लासेस 8 से 12th के लिए। मैं क्लास वाइज मैसेज भी दूंगा, लेकिन 8 से 12th के लिए मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को एक मेडिकल चेकअप करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिली है। इट्स अ सिंपल मेडिकल चेकअप। उसमें सिर्फ यही देखना है कि आपको किसी कोरोना टाइप की कोई भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स तो नहीं हैं। तो इसके लिए डरे मत, किसी भी टेस्ट से मत डरें, क्योंकि सिस्टम को रेगुलराइज करने के लिए ये स्क्रीनिंग गवर्नमेंट के द्वारा कंपल्सरी है। एक और इशू है प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आप पेरेंट्स को समझना चाहिए इसको बहुत अच्छी तरह से, कि जितने भी बच्चे अभी ये ऑनलाइन क्लासेज लग रही हैं, जैसे पहला ऑनलाइन असेसमेंट हो चुकी है, जिसके कि रिपोर्ट कार्ड जल्दी ही आपको दिए जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड्स तैयार हैं। फर्स्ट से 8th तक के, रात आप ये कह दीजिए KG से 8th तक के जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं। 21 तारीख के बाद आपको बुलाया जाएगा, और सभी बच्चों के जिन्होंने भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन की है, उनके एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी तैयार हैं। आप सभी को वो डे वाइज आना पड़ेगा स्कूल में लेने के लिए। और एक ये भी प्रार्थना है कि आपके जो ड्यूज़ हैं, फीस ड्यूज़, अब तक यदि आपने हमें सपोर्ट किया है या अभी हम सस्टेन कर पाए हैं, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है जिन पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया है। लेकिन मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने ड्यूज़ क्लियर करें। ये एक इस पर्टिकुलर कोरोना काल के अंदर ये एक स्पेशल सहायता है इस इंस्टीट्यूशन की, टीचर्स की, जो कि एक बहुत बड़ा काम भले ही अलग ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड्स में जो प्रमोशन है, ये आप समझ सकते हैं कि ये प्रमोशन का पहला स्टेप है। जो प्रमोशन है अगली क्लास में, वो इस एग्ज़ाम जो अभी आपको असेसमेंट मिलेगी और इससे अगले एग्ज़ाम के ऊपर निर्धारित होगी। उसके लिए आप सभी को अपने ड्यूज़ क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुई है। मुझे बड़ी हैरानी है कि पेरेंट्स ने अपना अभी तक स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया। लेकिन यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप आइए स्कूल से मिलिए, ताकि उन बच्चों के एग्ज़ाम्स, जिनके पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, पहली असेसमेंट के, फर्स्ट असेसमेंट के, सितंबर असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, वो करवाए जा सकें। आप मुझसे बात कीजिए और अपने टीचर से बात कीजिए। जो जूनियर क्लासेस हैं, वो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं सभी एक्टिविटीज़ में, तो ऐसे ही पार्टिसिपेट करवाते रहिए, अपने टीचर से बात करते रहिए, किसी भी इशू पे अपने टीचर से बात कीजिए, और बच्चों की ग्रोथ का ध्यान रखिए, बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें डालिए। कुछ चीज़ें यदि कुछ मिस हो जाती हैं, तो कृपया करके आप क्लास टीचर से बात कर सकते हैं, खासतौर पे प्राइमरी क्लासेस के अंदर। 6th, 7th और 8th, 8th भी क्योंकि बोर्ड क्लास है, तो 6th, 7th, 8th के रिजल्ट रेडी हैं। इनकी नेक्स्ट असेसमेंट, क्योंकि इनकी ऑनलाइन असेसमेंट है, 6th, 7th, 8th की असेसमेंट 21 तारीख के बाद ऑनलाइन एग्जाम दोबारा शुरू होंगे सेकेंड राउंड के। ये सेकेंड राउंड है, फर्स्ट राउंड ऑलरेडी हो चुका है इनका, सेकेंड राउंड के एग्ज़ाम होंगे। 6th, 7th, 8th सभी क्लासेस का एनुअल सिस्टम है। एनुअल सिस्टम का मतलब जो सारा सिलेबस है वो फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा। सिर्फ कुछ पोर्शन जो कोरोना काल की वजह से काटा जाएगा वही नहीं आएगा, बाकी सारा जो सिलेबस है वो फाइनल एग्जाम्स में आएगा। मेरी आपसे फिर एक बार विनती है, जो किसान फार्मर्स का सरकार के साथ जो वार्तालाप चल रहा है, मेरी भगवान से प्रार्थना है, वाहेगुरु जी से बेनती है कि वो जल्दी ही हल हो, ताकि ये जीवन जो है ये नॉर्मल हो जाए। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने ड्यूज़ प्लीज़ ज़रूर क्लियर करें। 10 से 15 तारीख के बीच में, आज 16 तारीख हो गई है, लेकिन 10 से 15 के बीच में हर मंथ की सैलरी हमें देनी होती है, तो इसलिए उसकी फ़ीस भी हमें ज़रूरत होती है। आप सभी से विनती है, बार बार मैं विनती करता हूँ और आप सुनते भी हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं सुनते, लेकिन काम
काफ़ी पेरेंट्स जो हैं अभी तक उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हैं। काफ़ी का मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा पेरेंट्स के ड्यूज़ क्लियर नहीं हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने ड्यूज़ क्लियर करें, हमारी सहायता करें। नेक्स्ट सेशन की तैयारी कर रहे हैं हम, नया साल आने वाला है। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। मैं आशा रखता हूं कि जब 2021 शुरू होगा तो हम इस कोरोना काल से मुक्ति पा जाएंगे। ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, आप खुद की अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि बच्चे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, खूब फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।